स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमय तांत्रिक सन्यासी की एक डरावनी और रोमांचित करने वाली कहानी। इस कहानी में एक तांत्रिक की अपनी जिंदगी में हुई सत्य घटनाओं के बारे में बताया गया है। इस कहानी में हमको तंत्र मंत्र और साधना के बारे में भी जानने को मिलेगा। कहानी बहुत ज्यादा रोमांचित करने वाली है। शुरुआत में आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको यह कहानी समझ आ जाएगी। जो कहानी सुनने में आपके मन में प्रश्न आएंगे उसके उत्तर भी कहानी में मिल जाएंगे। इस कहानी का नाम है वह रहस्यमय तांत्रिक सन्यासी, जिसके लेखक हैं पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप भी हमारी कहानियों से जुड़े रहे। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। अमावस्या की काली रात, महानिशा की बेला, निर्जन इलाका, उजाड़, बीहड़, धूसर, चारों तरफ निस्तब्धता छाई थी। बादलों से अटकर आकाश काला पड़ गया था। गहन निश्वास जैसी हाहाकार करती हवा नदी के तट की झाड़ियों और झुरमुटों को कपासी दे रही थी। सहसा श्यामल आकाश का बदन जलाती बिजली चमक उठी। सारा विस्तार एक क्षण के लिए प्रखर आलोक से उद्भासित हो गया। उसी क्षणिक प्रकाश में मैंने देखा वह तांत्रिक सन्यासी अभी भी शव के ऊपर आसन लगाकर बैठा एकाग्रचित मंत्र का जाप कर रहा है। शव एक युवक का था, जिसे कुछ समय पूर्व उसके सगे संबंधी नदी में प्रवाहित करके चले गए थे, किंतु वह पशु पक्षियों का आहार न बनकर एक भयंकर तांत्रिक सन्यासी की साधना का आसन बन गया था। शव का सिर पीछे की ओर लटका हुआ था, उसकी आंखें फैली हुई थीं, मुंह भी थोड़ा सा खुला हुआ था, शरीर एकदम नग्न था क्योंकि तांत्रिक सन्यासी ने उसका कफन उतारकर अपनी कमर में लपेट लिया था। सहसा श्मशान के पीपल के पेड़ पर चोंच रगड़ता कोई पक्षी कर्कश स्वर में चीख उठा। तांत्रिक सन्यासी का संकेत पाकर मैंने तुरंत घी का दीप जलाया और उसे शव के सिरहाने रख दिया। फिर मुर्गे का मांस, शराब की भरी बोतल और खोपड़ी भी सामने रख दी। तांत्रिक सन्यासी ने थोड़ा सा मांस खाया, फिर खोपड़ी में उड़ेल कर थोड़ी सी शराब पी। इसके बाद शेष मांस और शराब शव के खुले मुंह में डाल दिया। दूसरे ही क्षण शव का सारा शरीर जोर जोर से हिलने लगा अपने स्थान पर। मेरा मन भय मिश्रित विस्मय से भर उठा। ऐसा लगा मानो शव अब किसी भी क्षण उठकर बैठ जाएगा। मेरा अनुमान सत्य निकला। तांत्रिक सन्यासी को पीछे ढकेल कर सहसा वह शव उठकर इस प्रकार बैठ गया मानो वह भी जीवित प्राणी हो। वास्तव में वह जीवित ही लग रहा था उस समय। उसके चेहरे पर एक विचित्र सी शांति और तेजोमयी दिव्य आभा थी। वह अपलक उस तांत्रिक सन्यासी की ओर निहार रहा था। उस निविड़ गीली स्याह रात में शव की यह विचित्र स्थिति और उसका रूप देखकर मेरी चेतना जैसे लुप्त होने लगी। धीरे धीरे दीपक का मंद प्रकाश वर्तुलाकार होकर बैठे हुए शव के समीप सिमटने लगा। सहसा शव अपने स्थान पर लुप्त हो गया। अब केवल सिमटा हुआ वर्तुलाकार प्रकाश भर रह गया था वहां। लगभग 15-20 मिनट बाद उसी वर्तुलाकार प्रकाश की सीमा में सहसा एक अति सुंदर नारी प्रकट हो गई। उसकी उम्र 18-20 वर्ष से अधिक नहीं थी। शरीर का रंग एकदम बर्फ जैसा, तन पर पीले रंग की रेशमी साड़ी लिपटी हुई थी। शैवाल से लहराते काले केश नितंबों तक छितराए हुए थे। बड़ी ही बांकी छवि थी उस युवती की। उद्दाम यौवन से तरंगित वैसी देहयष्टि की कल्पना शायद किसी कवि ने भी नहीं की होगी। कविता, तांत्रिक सन्यासी ने हौले से पुकारा। अपना नाम सुनकर युवती हंस पड़ी। बड़ी मधुर हंसी थी उसकी। फिर बोली, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। अभी और कब तक कराएंगे प्रतीक्षा? बस थोड़े दिन और रह गए हैं कविता, बहुत जल्दी आ रहा हूं तुम्हारे पास। फिर उस तांत्रिक सन्यासी और युवती में क्या बातें हुई मैं समझ नहीं सका। हां, अंत में तांत्रिक सन्यासी की रुदन भरी आवाज अवश्य सुनाई दी मुझे। शायद युवती का विचोह सहन नहीं कर पा रहा था वह। किसी दारुण व्यथा से उसके स्वर कांप रहे थे। सहसा उस वर्तुलाकार प्रकाश की परिधि से युवती भी लुप्त हो गई और उसके स्थान पर धीरे धीरे एक दूसरा दृश्य उभरने लगा। मैंने देखा सामने एक हरा भरा मैदान था। मैदान के एक ओर जंगल और पहाड़ थे,
दूसरी ओर रंग बिरंगे जंगली फूलों और फलों के वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षों की ओट में मुझे एक महल दिखलाई पड़ा। वह सफेद पारदर्शियों पत्थरों से बना हुआ था। वातावरण में विचित्र सी शांति और निस्तब्धता थी। धीरे धीरे वह पूरा महल मेरे सामने आ गया। भीतर काफी लंबा चौड़ा सभा मंडप था, जिसके तीन ओर दालान थे और एक ओर मंदिर था। चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैला हुआ था। सभा मंडप और दालानों में बहुत सारी नव युवतियां इधर उधर घूम रही थीं। उन सबकी उम्र, रंग रूप और वस्त्र विन्यास एक जैसे ही थे। कहीं कोई वैषम्य नहीं था। मुझे लगा मानो वे युवतियां इस धरती की नहीं थीं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और गोल थीं, नाक नुकीली और मस्तक चौड़ा था। घनी केशराशि घुटनों तक बिखरी हुई थी। सब गले में दिव्य आभूषण पहने हुए थीं। उभरे हुए गठीले वक्ष वस्त्रहीन थे। केवल कमर में लुंगी की तरह लाल रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ था। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रही थी। धीरे धीरे शुभ्र प्रकाश में कुहासा जैसा धुंध छाने लगा। फिर वह धुंध काफी घना हो गया। इसके बाद सहसा मंदिर वाला भाग मेरे सामने आ गया। मैं सब कुछ उसी प्रकार देख रहा था जैसे पर्दे पर फिल्म दिखाई पड़ती है। मंदिर काफी लंबा चौड़ा था। बीच में अष्टभुजी काली की एक आदमकद पाषाण प्रतिमा स्थापित थी, जिसके गले में वास्तविक नरमुंडों की माला पड़ी थी। प्रतिमा का एक पैर स्त्री की तथा दूसरा पैर पुरुष की छाती पर स्थित था। मुझे बड़ी विलक्षण और सजीव लगी वह प्रतिमा। उस विकराल भयंकर प्रतिमा के पास ही एक बड़ा सा हवन कुंड था, जिसके चारों ओर बैठे हुए भयानक रूप रंग वाले चार पुरुषों के होंठ इस तरह हिल रहे थे जैसे वे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। बीच बीच में वे हवन कुंड में आहुति भी छोड़ते जा रहे थे। हवन कुंड के निकट ही एक लंबा चौड़ा पुराने ढंग का खड्ग रखा था, और उस खड्ग के पास ही आसन पर 4-5 वर्ष का एक बच्चा लेटा हुआ था, जिसके बाएं ओर भैंसे की खोपड़ी में दीपक जल रहा था। सभा मंडप में टहलती अर्धनग्न युवतियां धीरे धीरे एक एक करके मंदिर में आ गईं और उन्मत्त होकर नृत्य करने लगीं। लगता था जैसे सबने छक कर मदिरा पी रखी हो। उनके मुख तमतमाहट के कारण लाल हो रहे थे। एकाएक मुझे जैसे होश आया, बाप रे, ये तो कापालिकों का बलि देने का ढंग है। निश्चय ही अपनी किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये लोग इस बच्चे की बलि देंगे। मेरा सारा शरीर एकाएक सिहर उठा। एक व्यक्ति सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में वही भयंकर खड्ग लपलपा रहा था। उससे उसने बच्चे का सिर छुआ। बच्चे ने आंखें खोले दी और भय विस्फारित दृष्टि से उस खड्गधारी व्यक्ति की ओर ताकने लगा। ताबिया रंग के उस व्यक्ति की लाल लाल आंखें खिंची हुई थीं, नाक तिरछी थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं। मुख पर ऐसा भाव था मानो उसे अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान हो। उस बच्चे के सामने खड़े होकर उसने अपने हाथ का खड्ग हवा में तान लिया। उसी समय मेरे मुंह से एक बारगी चीख निकल गई, खून, खून। दूसरे ही क्षण मैं चिल्लाता, ठोकरें खाता, जमीन पर गिरता और फिर संभल कर उठता हुआ भागा, पर श्मशान के पीपल के पास ही चेतना शून्य होकर गिर पड़ा। और जब फिर चेतना लौटी तो सबेरा हो चुका था। एक व्यक्ति मेरे ऊपर झुका हुआ मेरे मुंह पर पानी के छोटे डाल रहा था। वह शायद अपने संबंधियों के साथ कोई शव जलाने के लिए श्मशान में आया था। चेतना लौटते ही मैंने उस व्यक्ति से पूछा, वह तांत्रिक सन्यासी कहां गया? यहां तो कोई साधु सन्यासी नहीं है बाबूजी। हां, एक मुर्दा जरूर घाट की ओर पड़ा है। आखिर वह तांत्रिक सन्यासी कहां गया? मैं दौड़ता हुआ सा काल भैरव के मंदिर में पहुंचा तो देखा कि पुजारी जी मेरे लिए व्याकुल हो रहे थे। मुझे देखते ही वह बोल पड़े, शर्मा जी कहां थे आप? कल से ही मैं आपको खोज रहा हूं, बिना बतलाए चले गए आप। यह बड़ा बीहड़ इलाका है, पग पग पर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। मैंने समझा कहीं उनका वाक्य पूरा होता, उसके पहले ही मैं बोल पड़ा, मैं उस तांत्रिक सन्यासी के साथ नदी की ओर चला गया था। इसके अलावा पुजारी जी को और कुछ बतलाना उचित नहीं समझा मैंने। लेकिन पुजारी जी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, फिर निकट आकर पूछने लगे, किस तांत्रिक सन्यासी के साथ गए थे? अरे, आप भवानंद अवधूत को नहीं जानते? वही जो पहले इसी मंदिर में रहते थे। इधर उनसे मेरी घनिष्ठता हो गई थी। वे प्रायः रोज ही दोपहर के समय मुझसे मिलने आया करते थे। मेरी बात सुनकर पुजारी जी एकदम चौंक पड़े। उनके चेहरे पर आतंक और विस्मय का मिला जुला भाव फैल गया। कुछ क्षण तक वह मेरी ओर इस प्रकार देखते रहे जैसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। आखिर पूछ ही बैठे,
आपने जो कुछ कहा वह सत्य है शर्मा जी। आपने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह सब उस तांत्रिक सन्यासी की अतृप्त आत्मा की लीला थी। भवानंद अवधूत की आत्मा 30 वर्षों से इस इलाके में भटक रही है। हे भगवान, उसे कब शांति मिलेगी और कब उसका उद्धार होगा? पुजारी जी खड़ाऊं पहनकर खटखट करते मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर भीतर चले गए। मैं लड़खड़ाता सा अपने कमरे में पहुंचा। बिस्तर पर तकिया के नीचे टटोल कर देखा, लिफाफा ज्यों का त्यों पड़ा था। सचमुच मेरे सामने एक अविश्वसनीय सत्य था, एक चमत्कार पूर्ण सत्य जिसके साक्षी थे 100-100 के 10 नोट। उन नोटों को उसी तांत्रिक सन्यासी भवानंद अवधूत ने दिया था और बड़ी विनम्रता से कहा था, मेरी आत्मा की शांति के लिए, मेरी आत्मा के कल्याण के लिए, मेरी आत्मा के उद्धार के लिए इन रुपयों से आप काशी में साधु सन्यासियों को भोजन करा दीजिएगा। मेरे जीवन की इस विलक्षण चमत्कार पूर्ण अनुभव कथा की शुरुआत लगभग 35 वर्ष पूर्व होती है, जब मैं योगाभ्यास के लिए किसी उपयुक्त एकांत स्थान की खोज में था। एक दिन दशाश्वमेध घाट पर मेरे एक पुराने तांत्रिक मित्र मिल गए। नाम था तारानाथ भट्टाचार्य। वह काली के भक्त थे। अपनी साधना के लिए उन्होंने कई दुर्गम स्थानों की यात्रा की थी। मैंने उनसे अपने मन की बात कही, तुरंत मेरी समस्या हल हो गई। उन्होंने मुझे बतलाया कि ढाका जिले में पद्मा नदी के समीप काल भैरव का एक मंदिर है। मंदिर के पुजारी उनके परिचित थे। जंगली फूलों, फलों के वृक्षों और पहाड़ों से घिरा वह स्थान बड़ा सुरम्य और शांत वातावरण था। योगाभ्यास के लिए निश्चय ही वह उत्तम स्थान है। भट्टाचार्य महाशय स्वयं कुछ दिनों तक वहां रह चुके थे। पुजारी के नाम उन्होंने एक पत्र भी लिख दिया। एक सप्ताह बाद ही मैं ढाका के लिए रवाना हो गया। वहां काल भैरव का मंदिर खोजने में परेशानी नहीं हुई। पद्मा के तट से ऊपर लगभग फरलांग ही दूर था वह मंदिर। पुजारी जी बंगदेशीय थे, सज्जन, विनम्र और सहृदय। उन्होंने तुरंत ही काल भैरव मंदिर से सटे एक कमरे में मेरे ठहरने की उचित व्यवस्था कर दी। भट्टाचार्य महाशय ने स्थान के बारे में जो कुछ बतलाया था मुझे उनसे कहीं अधिक शांत और रमणीक लगा। वह मीलों तक कोई गांव नहीं था, कोई आबादी नहीं थी। एक ओर घने जंगलों का सिलसिला और दूसरी ओर छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला, बीच में कल कल निनाद करती पद्मा की शुभ्रधारा। काल भैरव का मंदिर अति प्राचीन था। उसके ठीक सामने एक फरलांग दूर पद्मा नदी के तट पर श्मशान घाट था, जिसके एक ओर पक्का घाट था और दूसरी ओर यमराज का छोटा सा मंदिर था। मंदिर के पीछे पत्थर का एक लंबा चौड़ा चबूतरा था, जिसके समीप गूलर और पीपल के वृक्ष थे। कभी कदा सांझ के समय मैं उसी चबूतरे पर जाकर बैठ जाता था। गूलर और पीपल की छाया में बड़ी शांति मिलती मुझे। पीपल की डालों पर बंधे यमघंटों को देखकर जीवन जगत की निस्सारता पर घंटों विचार करता रहता मैं। एक दिन मैं ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ था। सांझ की स्याह चादर धीरे धीरे फैलती जा रही थी श्मशान भूमि पर। सहसा विचार भंग हुआ, आंखें ऊपर उठी, देखा तो सामने काषाय वखों में लिपट्टा एक व्यक्ति खड़ा मेरी ही ओर अपलक देख रहा था। सांझ के धुंधलके में पहले तो उसका रूप बड़ा अस्पष्ट लगा मुझको, पर जरा ध्यान से देखने पर आकृति एकदम स्पष्ट हो गई। लंबा दुबला, जीर्ण शीर्ण सा शरीर, तीखी नाक, भावहीन सी विस्फारित आंखें, कोरों पर गहरी स्याही, विवर्ण रक्तहीन सा मुख, न जाने कैसी दृष्टि से देख रहा था वह व्यक्ति। मुझे थोड़ा डर सा लगा। वह बड़ी देर तक मानो दुविधा भरी आंखों से मेरी ओर ताकता रहा, फिर क्षीण हंसी हंसकर बोला, घबराइए मत, मैं तांत्रिक सन्यासी भवानंद अवधूत हूं। इस स्थान से मेरा बहुत लगाव है, इसलिए टहलता हुआ इधर चला आता हूं कभी कभी। फिर थोड़ा आत्मस्थ होकर उसने पूछा, आप काशी से आए हैं ना? जी हां। तांत्रिक सन्यासी ने मेरा उत्तर सुनकर जोर से सांस छोड़ी। उसके विवर्ण मुख की ओर ताक कर मैंने कहा, आप कहां रहते हैं? वह हंसा, आपने देखा नहीं, यह पूरा इलाका निर्जन है, यहां कोई नहीं रहता, केवल मैं हूं, केवल मैं। मुझे विस्मय हुआ, यह पागल वागल तो नहीं है। वह शायद मेरे मनोभाव को समझ गया। कौतुक भरे स्वर में बोला, आप मुझे सनकी समझ रहे हैं क्या? मैं पहले इस काल भैरव मंदिर में ही रहता था, जिस कमरे में इस समय आप हैं उसी कमरे में मैं रहता था। इस कमरे में मैंने जीवन के 30 वर्ष व्यतीत किए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं काशी से आया हूं, काल भैरव के मंदिर में रहता हूं,
ये सब कैसे जान गया ये तांत्रिक सन्यासी? मैंने भयभीत दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह एकटक बिना पलक झपकाए मेरी ओर देख रहा था। जीर्ण क्लांत मुख, पर उसकी दृष्टि में अजीब सा सम्मोहन भरा हुआ था। जैसे इसके बाद उस तांत्रिक सन्यासी से प्रायः भेंट होने लगी, कभी उसी चबूतरे पर तो कभी कालभैरव के मंदिर में। हां, वह मंदिर में उसी समय आया करता जब पुजारी कहीं बाहर गए रहते। उसकी उपस्थिति मुझे बड़ी अनोखी लगती। कभी कभी उसके बात करने और हंसने का ढंग भी बड़ा विचित्र लगता मुझे। एक दिन वह दोपहर के समय मेरे कमरे में आया। मैंने उसकी ओर देखा, अजीब सी वेदना थी उसके मुख पर। सूनी सूनी आंखों में दुख की छाया तैर रही थी। आते ही बुझे हुए स्वर में कहने लगा, आप मेरे बारे में जानने समझने के लिए शुरू से ही व्याकुल है ना? आज मैं अपने विषय में सब कुछ बतलाने के लिए ही आया हूं आपके पास। अधिक समय नहीं लगेगा इसमें। बड़ी अनोखी विचित्र कथा है मेरे जीवन की। आपको निश्चय ही यह बड़ी विस्मयजनक और रहस्यमय लगेगी। सहसा उसकी आंखें मशाल की तरह दब से जल उठीं, फिर देखते ही देखते बुझ गईं। फिर उसने जो व्यथा भरी कथा सुनाई वह निश्चय ही अलौकिक थी। उसने कहना शुरू किया, मेरे माता पिता कौन थे यह मैं नहीं जानता। मैं कहां का रहने वाला हूं यह भी नहीं जानता। जब मैंने होश संभाला तो अपने को साधु संन्यासियों की टोली में पाया। उन्हों की छत्रछाया में पल पुसकर बड़ा हुआ। 18 वर्ष की उम्र तक उसी टोली में रहा। उसके बाद जीवन के 6 वर्ष एक नेपाली बौद्ध तांत्रिक के साथ बीता। ये 6 वर्ष मेरे जीवन के विचित्र अध्याय थे। इस अवधि में मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। उस बौद्ध तांत्रिक ने मुझे तंत्र मंत्र की बहुत सारी गुप्त विधाएं बतलाईं, उनकी सिद्ध साधना कराई, ज्योतिष के भी अनेक रहस्य बतलाए। तंत्र मंत्र ज्योतिष में पारंगत हो गया मैं। फिर उस बौद्ध तांत्रिक ने मुझे अपने गुरु से मिलवाया। वे कापालिक अघोरी थे। उनका नाम था सत्यानंद अवधृत। वे मुझे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ तिब्बत ले गए। मैं उनके मठ में रहकर साधना करने लगा। वह मठ अलौकिक शक्तियों का केंद्र था। उसका संबंध अनेक रहस्यमय लोक लोकांतरों से था। साधारण लोग वहां पहुंच ही नहीं सकते। मठ की भौगोलिक स्थिति भी नहीं बतलाई जा सकती। उस मठ में अनेक साधक थे जिनकी आयु 100 वर्ष से कम नहीं थी, किंतु सभी युवक जैसे थे। उनकी साधना में सहायता करने के लिए उच्च कोटि की आत्माएं भैरवी के रूप में सशरीर आती थीं वहां। उनके रूप और सौंदर्य की कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता। तांत्रिक साधना में भैरवी का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। बिना भैरवी के कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे गुरु ने मेरे लिए भी एक भैरवी की व्यवस्था कर दी, किंतु मैं यह भूल गया कि भैरवी तो मेरी साधना में सहयोगिनी है। वह एक ऐसी अमानवीय सत्ता है जो मानव शरीर के बंधन में कभी नहीं बंध पाती। मैं यह भी भूल गया कि मठ के प्रबल आकर्षण के वशीभूत होकर यह भैरवी अपनी प्रबल मानवेतर इच्छा शक्ति के बल पर स्थूल नारी रूप में अवतरित हुई है। इसकी पार्थिव काया मनुष्य की नहीं, बल्कि इसी की इच्छा शक्ति की देन है। पल भर रुक कर भवानंद अवधूत ने फिर कहना शुरू किया, मैं उस भैरवी पर मुग्ध हो गया। उसको अनुपम मोहक रूप छटा मेरे मन में बस गई। वह अति लावण्यमयी थी। उसकी हंसी अनुपम थी, मीठी मधुर स्निग्ध और मन को लुभाने वाली। उसके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता ही गया। अंत में प्रेम का रूप धारण कर लिया उसने। मानव जगत और जीवन में भी भारी आकर्षण है। शायद उसी आकर्षण के व्यामोह में पड़कर भैरवी भी मुझ पर मुग्ध हो गई और अंत तक वह भी मुझसे प्रेम करने लगी। हम दोनों का प्रेम आत्मा का प्रेम था। ऐसी आत्मा का प्रेम जिसे भौतिक धरातल पर नहीं लाया जा सकता, जिसकी पार्थिव कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं 4 वर्ष उस मठ में रहा और उन 4 वर्षों में मैं अनेक दुर्लभ विद्याओं में पूर्ण पारंगत हो गया। जब मैं मठ से चलने लगा तब एक ओर तो मुझे इन उपलब्धियों से प्रसन्नता थी, दूसरी ओर भैरवी के वियोग की पीड़ा भी थी। प्रस्थान के क्षणों में वह मेरे निकट आई। मेरी आंखों में आंसू थे, किंतु वह मुस्करा रही थी। उसने कहा, घबराओ मत, दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है। अगोचर रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जीवन यात्रा में सदैव मेरी सहायता और सहयोग मिलता रहेगा तुमको। तांत्रिक साधना में इसी को भैरवी सिद्ध कहते हैं। मुझे भैरवी सिद्ध हो गई थी। मैंने उसकी सहायता से यश कीर्ति प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य सब कुछ चरम सीमा तक प्राप्त किया
और उनका उपभोग भी किया, किंतु अपने चरित्र की रक्षा मैं बराबर करता रहा, क्योंकि योगी और साधकों के लिए एकमात्र चरित्र ही बल है। मेरी अदृश्य सहयोगिनी ने भी कहा था, जिस दिन तुम अपने चरित्र बल को गुंवा दोगे, उसी दिन मुझे भी खो बैठोगे हमेशा के लिए। सहसा मेरे जीवन में एक अकल्पनीय घटना घट गई। लोगों का भविष्य जानने वाला मैं स्वयं अपना भविष्य नहीं जान सका। इसी को कहते हैं नियति। उसने मेरी जीवन की अमृतमयी धारा में सहसा ही विष घोल दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं सब कुछ त्याग कर संन्यास ले बैठा। कहते कहते तांत्रिक सन्यासी भवानंद अवधूत की आंखें आग की तरह जलने लगी, मुंह लाल हो गया। कुछ देर मौन रहकर उसने जैसे एक अमानवीय चेष्टा से अपने को संभाल लिया, फिर कहने लगा, चलिए शेष कथा पद्मा के किनारे बैठकर सुनाऊंगा। दोपहरी ढक चुकी थी, पुजारी के आने का भी समय हो गया था। रास्ते में हम दोनों मौन रहे। जब नदी के किनारे पहुंचे तो वहां श्मशान में कोई चिता जल रही थी। तांत्रिक सन्यासी भवानंद अवधूत काफी देर तक निहारता रहा जलती चिता की ओर, फिर एकाएक आगे की कथा शुरू कर दी उसने। कहने लगा, मैं उन दिनों कलकत्ता में था। नित्य की तरह अपना अपना भविष्य जानने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में एक वृद्ध भी अपनी युवती कन्या के साथ बैठा था। जब उसकी बारी आई तो मैंने पूछा, कहिए महाशय, क्या पूछना है आपको? वृद्ध ने एक बार चारों तरफ देखा, फिर बोला, बस मैं आपको इसलिए कष्ट देने आया हूं कि मेरी इस लड़की के भाग्य में क्या लिखा है, जरा अच्छी तरह देख कर बतला दें। आपका जो भी शुल्क होगा मैं दूंगा। उसने लड़की को मेरे निकट आने का संकेत किया। लड़की खिसक कर मेरे बिल्कुल निकट आ गई और सोने की चूड़ियों से भरा अपना एक कोमल हाथ निसंकोच मेरी ओर बढ़ा दिया उसने। मैंने पूछा, क्या नाम है आपकी लड़की का? वृद्ध के बजाय लड़की ने ही उत्तर दिया, मेरा नाम कविता है। नाम सुनकर मैंने सहज भाव से उसकी ओर देखा। निश्चय ही वह किसी कवि की कल्पनामयी कविता जैसी थी। मैंने कविता की गुलाब के फूल जैसी कोमल कलाई को चुपचाप पकड़ लिया। कब तक पकड़े रहा मालूम नहीं। फिर उसे छोड़ता हुआ बोला, मैं हाथ नहीं मुख देखकर बतलाता हूं। फिर मैंने अपनी दृष्टि कविता के चांद जैसे मुख पर टिका दी। मिनट पर मिनट, घंटे पर घंटे कब निकलते गए, कमरे में बैठे हम तीन मूक प्राणियों को पता ही नहीं चला। सहसा कविता के मुख पर अंत में जो दृश्य उभरा, उसको देखकर मैं एकदम विचलित हो उठा। हे भगवान, मैंने यह क्या देखा? अमंगल, भयानक अमंगल के लक्षण। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कविता जैसी सुंदरी, सरल और पवित्र लड़की का भविष्य इतना अंधकारमय है। उसका भावी जीवन अपने आप में इतना मर्मांतक क्लेश और अमंगल लपेटे हुए हैं। कविता के वृद्ध पिता ने शायद मेरे मुख के भावों को पढ़ लिया। अनिश्चय से कांपते स्वर में उन्होंने पूछा, महाशय, आपने मेरी कविता के चेहरे पर क्या क्या देखा? मगर मैं सत्य बात न बतला सका। बताने से केवल जिह्वा ने ही अस्वीकार नहीं किया, बल्कि मन और आत्मा ने भी बाधा दी। मैंने उल्टी बात बतलाई, मुख पर यथासंभव प्रसन्नता लाते हुए कहा, ठीक ही देखा है, आपकी कविता का भावी जीवन मंगलमय है। दुख की कोई भी छाया स्पर्श नहीं कर सकेगी। अगर उत्सुकता पूर्वक वृद्ध बीच ही में पूछ बैठा, अगर क्या? मैंने कविता के सुंदर मुख की ओर देखा, उसकी कजरारी आंखों में चमक थी, जवाकुसुम जैसे गालों पर लावण्य के कण बिखरे थे। देखकर मेरा हृदय एक अजीब करुणा से भर उठा। मैंने शब्दों में ममता उड़ेलते हुए कहा, अगर कोई इसको भरपूर चाह सके, भरपूर प्रेम कर सके और प्रेम सहित जीवन भर निर्वाह कर सके, और प्रतिदान के रूप में कविता भी उससे उतना ही प्रेम कर सके। कविता के मुख पर प्रसन्नता छा गई और लाल हो आए मुख को आंचल से पहुंचने लगी। क्यों पहुंचने लगी वही जाने। मैं पिता पुत्री को दरवाजे तक पहुंचाने गया। बीच में एक बार पलटकर कविता ने भरपूर दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुस्करा दी। न जाने क्यों मैं हौले से पूछ बैठा, मैं तांत्रिक हूं, आपको मुझसे भय तो नहीं लग रहा है ना? मुस्कराकर कविता ने उत्तर दिया, नहीं अब नहीं लग रहा है। मैंने फिर पूछा, कब से? कुछ क्षण मौन रहकर अस्फुट स्वर में कविता ने कहा, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है। फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, बड़ी मोहक हंसी थी। मैं मानो आधा सा गया, फिर कविता के इस मधुर शब्द को हृदय में संजोए अपने कमरे में वापस आ गया। कलकत्ता में मैं 4-5 महीने रहा।
कविता प्रायः रोजाना मेरे यहां आने लगी। वह मेरा काफी ख्याल रखती थी। हम दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते चले गए। मैं कविता से प्रेम करने लगा। एक दिन कौन ऐसा क्षण था, कौन ऐसा संयोग था कि सहसा मैंने कविता को आलिंगन में ले लिया। उसने विरोध नहीं किया, फिर न जाने कब मैं अपना आपा खो बैठा। दूसरे ही क्षण एक दूसरे के मन प्राण शरीर एकाकार हो गए। अब तक मुझे अशरीरी नारी का प्रेम मिला था, किंतु उस समय मुझे मन प्राण आत्मा के सुख के साथ साथ नारी शरीर का भी सुख मिला, जिसकी अनुभूति में मैं खो सा गया। एक दिन कविता ने बतलाया कि रात में उसे भय लगता है, जैसे कोई चुपचाप उसके आसपास घूम रहा है। उसके सांस लेने की हवा तक कविता के शरीर को छूती है। कभी कभी वातावरण में कोई विचित्र सी गंध फैल जाती है, तब वह पूरी रात सो नहीं पाती। मुझे समझते देर न लगी, वह भैरवी की छाया थी। मुझे सहसा उसके शब्द याद हो आए, जिस दिन अपने चरित्र को गंवा बैठोगे उसी दिन में भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं भैरवी को गंवाना नहीं चाहता था, वह मेरी बहुत बड़ी अमानवीय शक्ति थी। उसी के बल पर तो मैंने इतना सब प्राप्त किया। किसी भी मूल्य पर मैं उसको अपने आप से अलग नहीं होने देना चाहता था। मैंने कविता के सामने दूसरे ही दिन विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ऐसा लगा मानो इसके लिए वह पहले से ही तैयार थी। उसने तुरंत मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कविता के पिता ने भी किसी प्रकार की बाधा नहीं दी। आखिर उसी महीने की पूर्णिमा को हम दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। जीवन अचानक इस मोड़ पर घूम जाएगा, मैं क्या जानता था। मैंने क्या यह सोचा था कि इस संसार में जिसका अपना कोई नहीं है, उसी का इस नगर में सबसे अधिक अपना कोई हो जाएगा। मैं कविता को लेकर ढाका आ गया। स्थायी रूप से ढाका में ही रहने का विचार कर लिया मैंने। बड़े सुख से जीवन व्यतीत हो रहा था। विवाह करके चरित्र को बचा लिया था मैंने। इससे भैरवी मेरे हाथ से निकल तो न सकी, फिर भी उसकी शक्ति मेरे लिए अवश्य कम हो गई। मधुर कोमल संबंध में भी थोड़ा अंतर आ गया था, मगर मैंने कविता के प्रेम के सामने इसकी विशेष चिंता नहीं की। ठीक उसी समय योगेश्वर तांत्रिक से मेरी भेंट हुई। वह नेपाली तांत्रिक का शिष्य था। जब मैं नेपाल में था उसी समय योगेश्वर तांत्रिक से परिचय हुआ था। वह मुझे गुरु भाई कहता था। अब मिला तो मैंने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। काश मैं उस समय यह जान गया होता कि मैं योगेश्वर को नहीं बल्कि किसी भयंकर विपत्ति को निमंत्रण दे रहा हूं, तो सच मानिए उसे कदापि न बुलाता। मेरे घर में प्रवेश करते ही उसने पूछा, यह कौन है? मैंने परिचय कराया, मेरी पत्नी कविता। योगेश्वर ने जोर से ठहाका लगाया, ओह कलकत्ते के सेठ रतनलाल की बेटी तो नहीं? वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने विस्मय से पूछा, कविता को पहचानते हो क्या? उसने हंसकर कहा, हां हां खूब पहचानता हूं गुरु भाई। मैंने एकांत में कविता से पूछा, क्या तुम योगेश्वर तांत्रिक को जानती हो? कविता ने संक्षेप में उत्तर दिया, एक दो बार पिताजी के पास देखा है इसे, बस इससे अधिक कुछ नहीं जानती। मैं रहूं या ना रहूं, इसके बाद योगेश्वर तांत्रिक प्रायः नित्य ही मेरे घर आने लगा। कविता को उसका आना अच्छा नहीं लगता था। वह उसके सामने बहुत कम आती और बहुत कम बोलती भी। आखिर एक दिन उसने मुझसे कह भी दिया, इस तांत्रिक को यहां आने से मना कर दें। मैंने आश्चर्य से कहा, क्यों? कविता खिन्न होकर बोली, पता नहीं क्यों उसका यहां आना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने शुष्क भाव से कहा, मगर मैं उसे रोक नहीं सकता कविता। कविता चौंकी, क्यों नहीं रोक सकते? मैंने गंभीर स्वर में उसे बताया, इसलिए कि उसके पास एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा रूप बदला जा सकता है। वह धूमावती विद्या जानता है, मैं उससे यह विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। कविता ने आपत्ति की, मगर वह आदमी अच्छा नहीं है। उसके मुख पर अचानक पीलापन छा गया, किसी अज्ञात भय से सिहर उठी वह। मैंने कविता की पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है? कुछ तो बोलो, कुछ तो बतलाओ मुझे। उसने मेरे कंधे से गाल सटाकर हौले से कहा, तुमसे मुझे कोई छीन न ले, मुझे इसी का डर है। मैंने कविता के गालों को थपथपाते हुए कहा, पगली कौन छीनेगा भला तुमको? ये तुम्हारे मन का भ्रम है। योगेश्वर धूमावती विद्या की सिद्धि देने को तैयार हो गया था। अमावस्या की रात में इसी श्मशान भूमि पर साधना करने का निश्चय किया गया। अष्टमी की रात तक लगातार साधना करनी होगी। योगेश्वर तांत्रिक ने मुझसे पूछा, तैयार हो ना?
मैंने कहा, हां हां बिल्कुल तैयार हूं। अमावस्या के दिन सवेरे ही आ गया मैं उसके साथ। बल्ली के लिए काला बकरा, मदिरा, घी, धूप आदि की पहले ही व्यवस्था कर ली थी मैंने। 8 दिन तक कविता अकेले रहेगी, इसीलिए उसकी देखभाल करने के लिए नौकर निताय को सहेज दिया था। वह बड़ा चतुर और बुद्धिमान लड़का था, घर का सभी काम करता था, उस पर मेरा पूरा विश्वास था। एक रात अचानक योगेश्वर तांत्रिक बिना कुछ बतलाए श्मशान से गायब हो गया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरा माथा ठनका, मैं तुरंत साधना छोड़कर घर की ओर चल पड़ा। शंका कुशंकाओं से मेरा मन तेजी से धड़क रहा था। रास्ते में निताई से भेंट हो गई। चिल्लाकर मैंने कहा, अरे निताई, घर में कविता को अकेली छोड़कर कहां चला जा रहा है? निताई मुझे देखकर एकदम घबरा गया। अरे मालिक, आप यहां? आप तो रात को घर में घुसे, इसीलिए मैं चला आया। हतप्रभ रह गया, अचकचाकर बोला, मैं घर में घुसा। निताई ने कहा, गुस्से नहीं थे? मैंने 1 घंटा पहले ही तो प्रत्यक्ष देखा है, आप घर में घुसे? मेरी आंखों के सामने एक बारगी अंधेरा छा गया, साथ ही छाती धड़कने लगी। मैं तीर की तरह भागा, सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचा। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बरामदे में पहुंचकर मैं सहसा ठमक गया। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। भीतर से आवाज आ रही थी, तुम्हें प्यार नहीं करता तो किसे करता हूं कविता? आप ही सोचिए उस समय मुझ पर क्या बीता होगा। मेरा माथा घूमने लगा। एक आवाज कविता की थी जिसे मैं पहचान गया, मगर दूसरी आवाज बिल्कुल मेरी जैसी ही थी। हे भगवान, कौन है मेरे कमरे में? कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया मैं। पीछे खिड़की थी, वह थोड़ी सी खुली हुई थी। वहीं से झांक कर देखा, भीतर मोमबत्ती जल रही थी। उसके पीले मध्यम प्रकाश में भीतर का दृश्य देखकर मैं पाषाणवत हो गया। सांस रुकने लगी जैसे। मैंने देखा, बिस्तर पर कविता की देहवल्लरी को आलिंगनबद्ध किए हुए मेरा हूबहू दूसरा रूप पड़ा हुआ है। कहीं कोई अंतर नहीं, कहीं कोई विषमता नहीं। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वह व्यक्ति कौन है। योगेश्वर तांत्रिक, वह धूमावती विद्या जानता है। उसी के बल पर उसने मेरा रूप धारण करके कविता को छला है। क्रोध और आवेश से मेरी पर जोर से धक्का मारा और चीख, आंखें दब से जल उठी। मैंने एकदम दरवाजा पकड़ा, कविता। कविता चौंक पड़ी, हड़बड़ाकर बोली, बाहर तुम्हारे ही स्वर में यह किसकी बोली है? कौन है वह? मैं दरवाजा पीटने लगा, साथ ही भयंकर रूप से चीख चीख कर पुकारने लगा, कविता, कविता, दरवाजा खोलो कविता, तुम्हारे साथ मेरे रूप में योगेश्वर तांत्रिक है। कविता घबराकर उठ खड़ी हुई। हकलाते हुए उसने कहा, कौन है बाहर? क्या कह रहा है? बहुरूपिया योगेश्वर तांत्रिक की आंखों में कामोत्तेजना थी। उसका मन वासना में आकंठ डूबा था। उसने कविता को फिर अपनी भुजाओं में समेट लिया और कहा, मैं तुम्हारा पति हूं कविता। वह झूठ बोल रहा है, तुम तो जानती हो कि योगेश्वर बनावटी विद्या में पारंगत है। उसी के बल पर वह मेरे स्वर में बोल रहा है। मैं बराबर दरवाजा पीटता जा रहा था और साथ ही चीख चीख कर कविता को पुकारता भी जा रहा था। आखिर दरवाजा टूट कर गिर पड़ा। मैं अंदर घुसा और चीख कर बोला, कविता किसकी गोद में हो? यह महापापी योगेश्वर है। मुझे देखकर कविता एकदम बिस्तर से छिटक कर खड़ी हो गई और खूंखार शेरनी की तरह बिखर कर बोली, सच सच बतलाओ, कौन है मेरा असली पति? किसने मेरे निर्मल पति प्रेम पर कलंक लगाया है? किसने छल किया है? किसने धोखा दिया है मुझ अबला को? काम का नशा बड़ा घातक होता है। कविता के अर्ध नग्न शरीर को अपनी ओर खींचते हुए योगेश्वर तांत्रिक ने कहा, मैं हूं तेरा पति, मैं। वह चमक कर उठा खड़ा हुआ। मैं आपा खो बैठा और उछलकर एकदम योगेश्वर तांत्रिक की छाती पर चढ़ बैठा। मेरे दोनों हाथों की उंगलियां कसती चली गईं उसके गले को। अंत में योगेश्वर तांत्रिक का सिर झूल गया एक ओर और उसके साथ ही उसका वास्तविक रूप भी प्रकट हो गया। कविता फटी फटी आंखों से देखती रही सब कुछ। सहसा चित्कार करती हुई वह जमीन पर गिर पड़ी। धीरे धीरे उसका रंग काला पड़ने लगा, सारा शरीर ऐंठने लगा, फिर मुख से खून की एक पतली धारा निकलकर जमीन पर फैलने लगी और देखते ही देखते उसका शरीर निर्जीव हो गया। जिस समय कलकत्ता में पहली बार मेरे कमरे में अपने पिता के साथ वह आई थी, तब मैंने ठीक यही दृश्य उसके मस्तक पर देखा था। मेरे नेपाली तांत्रिक गुरु की दी हुई तांत्रिक विद्या सत्य सिद्ध हुई। इतना सुना चुकने के बाद वह रहस्यमय तांत्रिक सन्यासी अवधूत सहसा मौन साध गया
और एकटक श्मशान में जलती हुई चिता की ओर देखने लगा। उस समय उसके मुख पर असीम वेदना और व्यथा के भाव तैर रहे थे। सांझ की स्याह चादर धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगती थी। दूज का पीला चांद जंगलों की ओट से झांकने लगा था। चारों ओर साए साए हो रहा था। पद्मा के किनारे की झाड़ियों में छिपे झींगुरों का अनवरत क्रंदन शुरू हो गया था। सहसा यमराज मंदिर के पीछे से सियारों के रोने की आवाज आई। उसी समय तांत्रिक सन्यासी भव्वानंद अवधूत ने मौन भंग किया। बुझे हुए स्वर में कहने लगा, प्रश्न यह उठता है कि क्या सचमुच धूमावती विद्या द्वारा आदमी रूप बदल सकता है? क्या हिमालय या तिब्बत में ऐसे रहस्यमय गुप्त तांत्रिक मठ हैं? क्या इन मठों में दूसरे जगत की आत्माएं नारी रूप धारण करके भैरवी के वेश में आती हैं? क्या तंत्र मंत्र में ऐसी अलौकिक शक्ति होती है? आप कहेंगे कि नहीं जानता, किंतु बंधु भारतीय संस्कृति का इतिहास कहता है तांत्रिक विद्या असत्य नहीं है। आपके विज्ञान की दृष्टि से दूर भी अनेक ऐसे सत्य विद्यमान हैं जिनकी मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी खोज में विज्ञान कभी सक्षम नहीं हो सकता। मैंने ऐसे सत्य हो देखा है और अनुभव भी किया है। उस समय मेरे मन में अनेक भाव उठ रहे थे जिनमें संशय का ही भाव अधिक था। शायद मेरे इस भाव को तांत्रिक सन्यासी समझ गया। बोला, मेरी कथा की सत्यता पर संशय है क्या आपके मन में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सन्यासी एक बारगी हां होकर हंसने लगा। बड़ी विचित्र हंसी थी, शायद मेरी दुर्बलता पकड़ी गई थी। चिता से उठ रही लाल लाल लपटों का पीला प्रकाश उस समय उसके मुख पर पड़ रहा था। सहसा किसी अतीन्द्रिय ज्योति से उसकी आंखें टप से जल उठीं और इसके साथ ही उसके मुख पर एक अमानवीय भाव भी तैर गया। फिर भी बड़े ही शांत और निर्विकार स्वर में वह बोला, शरीर का बंधन भले ही टूट गया है मगर पति पत्नी का बंधन अभी तक है। कविता आज भी मेरे साथ है और उस अलौकिक मठ से भी मेरा संबंध है। आप चाहें तो कविता को देख सकते हैं और उस मठ को भी। यह कैसे संभव है? आश्चर्य से मैंने पूछा। अभी सांप काटे हुए एक व्यक्ति का शव यहां आएगा, लोग उसे नदी में प्रवाहित करने के लिए आएंगे। आपको कैसे मालूम? मुझे सब मालूम हो जाता है, मैं जैसा कहूं वैसा करते जाइए बस। मैंने वैसा ही किया। लगभग 20 मिनट बाद ही शव आ गया श्मशान में। जब उसके सगे संबंधी शव को प्रवाहित करके चले गए तो मैं शव को खींचकर पानी के बाहर निकाल लाया। फिर श्मशान में भयंकर वातावरण गहरा गया। अमावस्या की स्याह काली रात में उस तांत्रिक सन्यासी ने अपनी साधना शुरू की। इसके बाद क्या हुआ ये तो शुरू में ही बता चुका हूं। वाराणसी लौटने पर मैंने साधु सन्यासियों को भोजन करा दिया। इसके लिए भवानंद अवधूत ने पहले ही मुझे 100-100 के 10 नोट दिए थे और कहा था कि इन रुपयों से मैं वाराणसी में उसके नाम पर साधु सन्यासियों को भोजन करवा दूं। मैंने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। उस रहस्यमय तांत्रिक सन्यासी की आत्मा को शांति मिली कि नहीं भगवान जाने। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और साथ में ये भी बताएं आप हमारी कहानियां कहां से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। और अगर आपको हमारी और भी ऐसी ही कहानियां सुनना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में आपको स्क्रीन पर कहानियां दिख रही होंगी, वहां से भी आप हमारी कहानियां सुन सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।